आज हमारी यात्रा पहुंची है विभूतिपुर प्रखंड के शाहपुर चकहब्बी पंचायत और यहां के ग्रामीणों की समस्या है। इनसे हम जानते हैं कि इनकी और क्या क्या जटिल समस्याएं हैं, सरकार की इतनी योजनाएं आती हैं और क्या ग्रामीणों को वाकई लाभ नहीं मिल पाता है, इसके बारे में हम लोग जानने के लिए आए हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बताइए चाची, क्या समस्या है आपकी? समस्या है जो हमरा के वर्षा हो है तो घर में पानी ढुक जाए, हमरा के रह के व्यवस्था नहीं है। नाला उला नहीं बना? ना कुछ ना। कितने नंबर वार्ड है ये? तीन नंबर वार्ड है। हाँ, आप बताइए आपको क्या समस्या है? यह नाला का अथी नाला बन जाए तो ना, तीन नंबर में थी सरकार की है? सबसे बड़ी योजना थी सात निश्चय में सड़क और नाली का बनना बहुत जरूरी था। गांव देहात में ये योजनाएं चलनी थी तो उसका लाभ आपको नहीं मिला ना? ये वो खोलबो के लिए वो सामने नाला से रोड तोड़ के वो भर दिल के, तो आपने देखा गैस गोदाम लगो न। बोलो बोलो क्या समस्या, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हम लोग अशोक, नाम अशोक सदा। अच्छा, कितने नंबर वार्ड में घर है आपका? तीन नंबर वार्ड। पंचायत? पंचायत है चकहब्बी। क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि बरसात महीना पानी बहुत लग जाते हैं, डार भर के पानी भागने कोई साधन नहीं है, कोई भगाने पानी नहीं देते हैं। तो कभी आपने इस मामले को लेके वार्ड मेंबर साहब से वार्ता की? वार्ड नंबर के ब्लॉक भी लाए, वो बोलता है कि नहीं होगा। अभी पानी निकलने का कहीं पे कोई रास्ता नहीं है क्या? अब तो वही जानेगा, हम तो बोलते हैं। घर अब यहाँ पर 10-12 घर है। 10-12 घर पानी में? कभी वार्ड मेंबर से मिला कि नहीं आपने? मैं कुछ नहीं मिला। सरकार ने जो आपको नाली और क्या नाम है काम कराने के लिए जो पैसा भेजा उसका क्या किए? कुछ हम लोग पता नहीं पैसा कहाँ गया, सब कुछ नहीं दिया। हम लोग खाने पर आप पता कुछ नहीं दिया। अरे आपको थोड़ी देगा भाई, ये विकास के लिए योजनाएं आती है। राशन वगैरह भी आपको मिला कि नहीं? कोरोना काल इतना बड़ा गया है, इसमें राशन वाशन मिला है? मिला है। आर्थिक सहयोग वगैरह मिला है आपको? राशन पानी दाल कोई सहयोग नहीं मिला है। नहीं मिला है? तो आपने देखा ये है ग्रामीणों की समस्या।